हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है, यदि आप नसों की कमजोरी, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, हाथ में दर्द, कैल्शियम की कमी, अनिद्रा, थकान, जोरों का दर्द, इन सब चीज़ों से परेशान हैं तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, आजकल भाग दौड़ ज़िंदगी में हम लोग अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और पूरे शरीर बदन दर्द, नसों में दर्द, कैल्शियम की कमी, घुटनों में दर्द, इन सब चीज़ों पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं और ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है। यदि आप इन सब चीज़ों से परेशान हैं तो एक बार इस मिल्क को ज़रूर पिए। मैं जिस तरह से बनाकर आपको शेयर कर रही हूँ, उस तरीके से यदि आप बनाकर पिएंगे तो घुटनों में दर्द, जोरों का दर्द, कैल्शियम की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, थकान, अनिद्रा बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं क्या क्या सामग्री ली हूँ इसे बनाने के लिए। सबसे पहले आपको लेना है दूध। दूध हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बड़ा और छोटा बच्चों सभी के लिए दूध काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको लेना है यहाँ पे दूध। मैं दूध यहाँ पर ली 2 कप के बराबर, मैंने एक गिलास, और उसमें मैं डालूँगी इलायची। इलायची हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है और शरीर को ठंडक भी पहुंचाता है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ इलायची। इलायची आपको कूट लेना है, यानी कि उसको मिक्स ग्राइंडिंग कर ले इलायची को। 3 से 4 इलायची का दाना लेना है और 1 चम्मच सौंफ, ग्राइंडिंग सौंफ। मैंने सौंफ और इलायची को ग्राइंडिंग कर लिया है, तो 1 चम्मच के बराबर सौंफ, इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। ज़्यादा आपको दालचीनी नहीं लेनी है, थोड़ी सी दालचीनी है। और तीनों को अच्छी तरह से मैंने ग्राइंडिंग कर लिया है। और ये उबला हुआ यानी कि गर्म दूध है, मैंने ज़्यादा गर्म दूध नहीं लिया, हल्का गुनगुना है। इसमें इसे डालकर अच्छी तरह से मिला दूंगी। पूरी अच्छी तरह से आपको मिलाना है, क्योंकि मैंने सौंफ को ग्राइंडिंग कर दिया है तो इसे छानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें इलायची पाउडर, सौंफ और थोड़ी सी दालचीनी, तीनों को अच्छी तरह से ग्राइंडिंग करके मिला लेना है। दूध यानी कि ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, गुनगुना उतना भी ठंडा नहीं होना चाहिए। मैंने उसमें मिला दिया है और थोड़ी देर बाद इसे ऐसी छोड़ दूंगी हल्का ठंडा होने के लिए, 5 से 10 मिनट। उसके बाद जब गुनगुना रहेगा तो इसे रात में खाना खाने के बाद यानी कि सोने से पहले पिए। सप्ताह में कम से कम 3 से 4 दिन जरूर पिए। यदि आप ऐसा रेगुलर करते हैं तो जोरों का दर्द, घुटनों का दर्द, कैल्शियम की कमी, हड्डियों में दर्द, नसों की कमजोरी, जितनी भी प्रॉब्लम है, अनिद्रा, थकान बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।